हाँ, अब आप ध्यान दीजिए, ये कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पार्ट 1 नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है, एनसीईआरटी पैटर्न की किताब से ये आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। ये सूत्र आपका है, दो बिंदुओं ए छोटे कोष्टक में x1 कामा y1 छोटा कोष्टक बंद, तथा बी x2 कामा y2 छोटा कोष्टक बंद के बीच की दूरी d बराबर, कर्णी में छोटे कोष्टक में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस छोटे कोष्टक में y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इस सूत्र को x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग रूट के अंतर्गत लिखा जा सकता है, या फिर कर्णी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग लिखा जा सकता है। दोनों सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों सूत्रों से आपका उत्तर एक ही आएगा। अब आपका प्रश्न है, बिंदुओं छोटे कोष्टक में 4, 3 छोटा कोष्टक बंद, तथा छोटे कोष्टक में 2, 5 छोटा कोष्टक बंद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सूत्र आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे दो बिंदु है ए और बी, ए का निर्देशांक आपका x1, y1 और बी का निर्देशांक x2, y2 है। इस स्थिति में ये आपका सूत्र है, दो बिंदु यानी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये आपको फार्मूला दिया गया है। अब इसी फार्मूले पर आप इस प्रश्न को हल करेंगे, बिंदु छोटे कोष्टक में 4, 3 छोटा कोष्टक बंद, तथा छोटे कोष्टक में 2, 5 छोटा कोष्टक बंद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया हुआ है छोटे कोष्टक में 4, 3 छोटा कोष्टक बंद, तथा छोटे कोष्टक में 2, 5 छोटा कोष्टक बंद। अब इस बिंदु को हम, ये जो सूत्र में बिंदु दिया गया है x1, y1 और बी वाला बिंदु है x2, y2 से तुलना करेंगे, अर्थात x1 का मान कितना होगा, y1 का मान कितना होगा, x2 का मान कितना होगा, y2 का मान कितना होगा, इन बिंदुओं से निकालेंगे। तो पहले कोष्टक में x1 और y1, जैसे पहला बिंदु है x1 और y1, उसी तरह से पहले कोष्टक में पहला बिंदु जो ये दिया गया है, ये x1 है, ये y1 है, दूसरे में x2 y2, उसी तरह से x2 का मान 2 और y2 का मान 5 होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर 2, y2 बराबर 5, यानी कि बिंदुओं a(x1, y1) b(x2, y2) से इसकी तुलना कर लेंगे कि x1 का मान कितना है, y1 का कितना। इसी तरह से x2 और y2 का मान भी निकाल लेंगे। सूत्रानुसार बीच की दूरी d बराबर कर्णी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर कर्णी में x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 2 का होल वर्ग प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 5 का होल वर्ग बराबर कर्णी में 4 में से 2 घटा देंगे 2 होगा 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 है, या समान चिन्ह है, या 3 से पहले प्लस है और ये माइनस है, असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह एक दूसरे से घटा दिए जाते हैं यदि उनके बीच में गुणे और भाग का चिन्ह न हो तो ये आपका हो जाएगा ऋण दो का वर्ग हो जाएगा बराबर कर्णी में 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 1 का वर्ग करेंगे प्लस होगा 2 का वर्ग करेंगे 4, अर्थात 4 + 4 बराबर कर्णी में 8 बराबर 8 का भागीखंड कर दिए 2 × 2 × 2, इसका वर्गमूल निकालना है, इसलिए जोड़ा लगा कर 2 का जोड़ा लगा कर उसको कर्णी से बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको कर्णी के अंतर्गत लिख देंगे बराबर 2 × 2 इकाई, अर्थात बीच की दूरी आपकी निकल गई 2 × 2। अब आप ध्यान दें, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब जब मैं अपनी वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुंच सके। और यह भी मैं बता दूं कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी लिखें,
और ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी की कक्षाएं चलाई जाती हैं, और इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, सी टेट, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सीजीएस विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 94-15-88-75-29, और एक चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव। और अभी मैं बता दूं कि हमारी कोचिंग ये माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर गाजीपुर जिले में दुल्लभपुर थाने से 1 किलोमीटर पूर्व कोटा हनुमान मंदिर के पास में स्थापित है। इसकी जानकारी यदि आपको प्राप्त करना हो तो हमारे मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।